यहाँ पे अभी भी नहीं लाइन खत्म हो रही, इतनी लंबी लाइन है। ओ माय गॉड, अच्छा लग रहा है क्योंकि आजकल दिस कलर इज वेरी। वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज शेली, हाउ आर यू ऑल। सो टुडे आई थॉट कि आई विल इंट्रोड्यूस टू अ वेरी स्पेशल मेंबर ऑफ माय फैमिली, मीट माय भाभी आस्था। से हाय। सो गाइस, शी इज माय भाभी एंड आज हम लोगों ने सोचा कि वी विल स्पेंड द डे टुगेदर और वी विल जस्ट गो फॉर अ कैजुअल शॉपिंग डेट। सो लेट्स गो विद अस। सी यू, बाय। सो गाइज, वी आर जस्ट आउटसाइड द मॉल। हम यार मेरा मुंह बहुत मोटा है, मेरी मत बना। गाइज इग्नोर माय भाई, इज स्टूपिड। इसकी बातों को आप डोंट पे अटेंशन टू हिम। सो हम यहाँ मॉल में पहुंच गए थे और हम सोच रहे थे कि सबसे पहले कौन से स्टोर में आए, इसीलिए हम लोग सबसे पहले टॉमी हिलफिगर चले गए थे। And this is what they picked from the store. So guys, मैं अभी आई हुई थी और मैं अभी स्टोर में थी और पता नहीं मेरा कहाँ माइक गिर गया और पता नहीं अब मैं रिकॉर्ड कैसे करूँगी व्लॉग। पता नहीं क्या हो रहा है, पहले मेरा माइक घूम गया और स्पेशली हम लोग टिम हॉर्टन्स के लिए आए थे और इतनी लंबी क्यू थी तो हम लोगों ने सोचा अभी क्यू तो नहीं, वील ट्राई अनदर हाफ एन आवर बाद देखेंगे, स्पेशली क्योंकि ये फर्स्ट टाइम खुला है यहाँ पे, तो वी वर वेरी एक्साइटेड टू चेक आउट। We just came to Forever New. यहाँ पे कुछ कलेक्शन देखते हैं, कुछ पसंद आते हैं। ऐसी लग रही है। I think मुझे तो अच्छी लग रही है पर पता नहीं। Guys, do let me know कि कैसी लग रही है, मुझे लेनी चाहिए कि नहीं। थोड़ी सी लूज है ये, but still good. How is this one? ये अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अभी भी नहीं लाइन खत्म हो रही, इतनी लंबी लाइन है। ओ माय गॉड, व्हेन विल दिस ओवर? नाउ वी हैव कम टू ज़ारा। बहुत ही अच्छी कलेक्शन आई हुई है इस बार, वेरी कलरफुल ऑल्सो, सो आई एम गोइंग टू चेक दैट आउट। मुझे ये भी कलर अच्छा लग रहा है क्योंकि आजकल दिस कलर इज वेरी इन, सो आई विल ट्राई ये कैसा लगता है। मैं ट्राई करने जा रही हूँ। नीचे ट्रायल लाइन भी इतनी लंबी है, इतनी लंबी ट्रायल है। सामान उठा लाई हूँ एंड आई एम गोइंग टू ट्राई ऑल दिस, तो मैं देखती हूँ पता नहीं क्या ही हो रहा है मेरे साथ, इतना वियर्ड सा ढेर जा रहा है, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके क्योंकि माइक भी घूम गया और फिर टिम हॉर्टन में भी नहीं जा पाए एंड आई वॉज थिंकिंग ऑफ बाइंग द बैग, वो भी डिफेक्टिव था तो वो भी नहीं ले पाई। आई होपफुली ये आ जाए। लेट्स सी, दिस जीन्स इज द फर्स्ट वन, ये मैंने ट्राई करी है, मेरे को अच्छी लग रही है। This looks nice, so hopefully I'm going to buy this. So this is the second one, but ऐसी similar मेरे पास है तो I am not going to take this one. But this one,
ये मुझे अच्छी लग रही है, बट ठीक ठीक लग रही है, नॉट सो एक्सक्लूसिव। तो आप लोग बताओ मुझे लेनी चाहिए कि नहीं। मुझे तो आई थिंक समझ नहीं आ रहा अभी ये। Still another 5-10 minutes, guys. Oh my God. ये तो fully packed है, कहाँ पे ही बैठूं? अंदर तो घुस गए, और टेबल कहाँ से लूँ? Finally we have managed to get the table at least. और अब हम लोग वेट कर रहे हैं अपनी अपनी कॉफी की। एक तो इतनी मुश्किल से टेबल मिला है और अभी भी हमारी कॉफी नहीं आ रही। पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। अभी टाइम कितना हो गया? ऑलमोस्ट 9:00 हो गया है, नहीं 8:30 हो रहे हैं, और आधा घंटा तो हमारे को हो भी गया है। अब पता नहीं क्या ही होएगा। लाइन में खड़ा हो के आके मजा आया? कितनी देर से खड़े हो? कितनी देर से खड़े हो लाइन में? 1 घंटे हो गया मैडम, 1 घंटे। और अभी भी नहीं मिली कॉफी? आधा घंटा और लगेगा। 1 घंटे से बेचारा लाइन में खड़ा हो के आया और अभी भी नहीं मिली। अभी वो कह रहे 5-10 मिनट लगेंगे कॉफी में। पता नहीं क्या हाल हो गया आज। सो गाइज, हम लिटरली इट्स ऑलमोस्ट विद इन आवर की हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। हम लोग एग्जैक्टली अराउंड 8:15 यहाँ पे आ गए थे और हम लोग बहुत खुश थे कि चलो हम क्यू से निकल गए। और 8:15 से पहले भी मेरा भाई हाफ एन आवर क्यू में लगा ही हुआ था। बाहर इतनी लंबी लाइन थी तो हाफ एन आवर तक वो खड़ा हुआ था। देन 8:15 हम लोग अंदर एंट्री आए थे, एंटर हो गए थे, एंड दिस इज 9:13 राइट नाउ। तो 1 घंटा पूरा हो गया है और अभी भी हमें हमारी कॉफीज ही नहीं मिली हुई है। पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। खैर, उन्होंने एंट्री तो बंद कर दिया है। सो लेट मी क्लियर वन थिंग कि जो लोग भी आ रहे हो, ये मत सोचना कि क्यों आपने खत्म कर ली तो अंदर आके मिल जाएगा, बिकॉज अंदर आके भी आपको बहुत देर पेंडिंग मतलब वेट करना पड़ेगा, मोर देन एन आवर आई गेस। फाइनली आज मुझे 1.5 घंटे के बाद ये कॉफी नसीब हुई है। इसके लिए मुझे लिटरली 1.5 घंटा वेट करना पड़ा। कॉफी के लिए हमने 1.5 घंटा वेट किया। सो आई रियली फील कि इट्स नॉट वर्थ इट, क्योंकि अच्छे से फंक्शन ही नहीं कर पा रहे। वो लोग बुकिंग्स तो ले रहे हैं, ऑर्डर्स ले रहे हैं, बट वो ऑर्डर्स को प्रोसेस करने में ही इतना टाइम लग रहा है। 1.5 घंटे से हम लोगों ने इसके लिए वेट किया है, तो इट वॉज रियली बैड। आई फील कि ठीक है नया खुला है, बट इतना ज़्यादा वेटिंग इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि कोई मैनेजमेंट ही नहीं हो पा रहा। सो टेल मी, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद द कॉफी? I was really excited कि मेरे को Tim Hortons लेनी है। I really wanted, मैं 2-3 बार आई, but इतनी लंबी क्यू देख के I was like no. But today like my husband, oh my God, with all the patience, he waited there for about an hour. And inside also we had to wait so much. But and still यार इतना wait करके भी इतना management नहीं है, कुछ भी नहीं है। So I think it's stupid to visit right now. थोड़ा सा wait कर लो, उसके बाद ही visit करना। मैं तो यही recommend करूँ। गेस्ट पे भी बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, इट्स 20% ऑफ एंड आई एम रियली लविंग दिस वन। कलर बहुत सुंदर है यार, एंड ये वाले सारे बैग्स भी बहुत क्यूट लगते हैं। इसकी आई थिंक दिस प्रिंट आई रियली लाइक, ये इसका क्लासिक है, सिमिलर टू एम के, बट दिस इज ऑल्सो नाइस लग रहा है। कलर बहुत सुंदर है, फंकी कलर्स है ना, एंड ऑल्सो इट्स ऑन डिस्काउंट। इसको देख लो, इसकी टी शर्ट पे क्या पीछे लिखा हुआ है, पब्लिक एनिमी, पब्लिक एनिमी नंबर वन। और ये एक्चुअली मैं बता रही हूँ, ये है भी पब्लिक एनिमी नंबर वन। मैं लिटरली बहुत ही थक गई हूँ, मेरी बस हो गई है। फाइनली वी आर गोइंग होम। आज तो बैंड बज गई, मैं सब पार्किंग में आ गया, घर जा रहे हैं। तो चलो
Let's go. गाइस मैं फाइनली घर आ गई हूँ और एक अच्छी चीज हुई कि मैं जैसे ही गाड़ी में बैठी ना तो मुझे नीचे दिख गया मेरा माइक एंड मैं इतना मेरा मूड खराब हो गया था पहले ही स्टार्टिंग में जब हम लोग गए थे स्टोर में घुसे थे और मैंने बाद में रियलाइज किया कि मेरे कॉलर पे माइक ही नहीं लगा हुआ। बट एक्चुअली क्या हुआ, जब मैं गाड़ी से निकल ही रही थी उतरी थे हम लोग मॉल के लिए तो तभी पता नहीं कैसे गिर गया, जब मैं अपना बैग पहन रही होंगी तो गिर गया था तो मैं इतना मेरा मूड खराब हो गया था बट थैंक गॉड कि वो मिल गया। सेकंड चीज ये अच्छी हुई कि हम लोग स्पेशली गए थे कि टिम हॉर्टन्स ट्राई करेंगे तो आई नो कि बहुत ही मुश्किलों के बाद फाइनली एटलीस्ट हमें ट्राई करने को तो मिल गई बट इट्स आई थिंक रियली इट्स नॉट वर्थ इट क्योंकि पता नहीं आई थिंक नया नया खुला है और ऑल्सो आज वीकेंड था तो बहुत ही ज्यादा रश था तो इसलिए बहुत ज्यादा टाइम लग गया इसलिए टायरिंग बहुत हुआ पर चलो एटलीस्ट जिसके लिए गए वो हो तो गया। बाकी शॉपिंग मैं बैग देख रही थी, बैग मेरा डिफेक्टेड था तो मैं वो नहीं ले पाई। थैंकफुली आई गॉट वन पेयर ऑफ जीन्स एंड ऑल्सो माई भाभी ऑल्सो गॉट वन पेयर ऑफ जीन्स फॉर हरसेल्फ तो वो हमारे को मिल गई और शर्ट मैंने नहीं ली क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं आ रही थी और एक और मेरे भाई ने अपने लिए शर्ट ली थी जो आपने स्टार्टिंग के क्लिप्स में देखी होगी जब बिलिंग करा रहे थे। सो दैट्स इट, एनी वे ऑल इज वेल वेन इट एंड्स वेल। सो थैंकफुली द डे वेंट रियली गुड एंड होपफुली नेक्स्ट वीडियो में भी आपको ऐसे ही एंटरटेन करेंगे। So till then, lots of love, take care and see you in the next vlog. Bye guys!